हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ फिर से एक नया वीडियो लेके आपके लिए। तो चलिए बनाते हैं। इसमें मैं सौ पीस बनाने वाली हूँ। ये बिस्लरी का 5 लीटर का बोतल का मैंने कट कर लिया है। मैंने काटने से पहले आपको दिखाया नहीं, मैंने पहले से ही कट करके इसको रखी हुई थी, मैं नहीं दिखा सकी। लेकिन 5 लीटर का ये बिस्लरी बोतल है, वाटर बोतल, उसी से मैं बनाने वाली हूँ एक सुंदर सा सौ पीस टी टेबल के लिए। तो इसमें एयर ड्राई क्ले का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं बहुत इजी तरीके से इस बार मैं बनाने वाली हूँ। आपको कोई भी मेहनत नहीं लगेगा, आपको इजीली आप इस तरह से बना सकते हैं। और सुंदर लगने, अगर आपकी बनाई हुई चीज़ सुंदर लग रही है तो आपका क्राफ्ट काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से मैंने बहुत इजी तरीके से बनाया है। देखिए बहुत इजी तरीके से एक सिंपल लाइन की तरह ड्रॉ कर लिया है उसके टॉप पे मैंने बस। और मॉडलिंग टूल से इसे मैं थोड़ा सा डिजाइन करूँगी। डिजाइन सिर्फ कुछ नहीं है, डिजाइन बहुत सिंपल है, बस एक लाइन ड्रॉ करना है इस पे। देखिए देखिए बहुत इजी तरीके से इसको मैंने ऊपरी हिस्से को ऐसे इस तरह का डिजाइन, देखिए मॉडलिंग टूल है, इस तरह की लाइन बनानी है, बस हो गया। और इसके साइड में मैं मॉडलिंग टूल से, और ये फ्लावर मोल्ड है, इससे मैं फ्लावर लगा रही हूँ इसके साइड में। देखिए आपको फ्लावर नहीं आता बनाना, या आपके पास इस तरह के मोल्ड नहीं है, तो आप सिंपल से डिज़ाइन डेकोरेट कर सकते हैं इसमें। देखिए अच्छे से बना सकते हैं आप, हार्ट शेप बना सकते हैं जो इजीली हाथों से बनाए जा सकते हैं, आप स्टार बना सकते हैं एक बड़ा और बाकी छोटा बना के आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं सुंदर से। ये सो पीस काफ़ी अच्छा लगेगा, सेंटर टेबल पे रखिए आप, टी टेबल पे रखिए आप, बहुत अच्छा। इसमें फ्लावर डाल के, पानी डाल के भी रख सकते हैं इसमें। इसमें छोटी छोटी पंखुड़ियाँ तोड़ दीजिए और पानी डाल दीजिए, ऊपर से पंखुड़ियाँ डाल दीजिए, ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखने में सेंटर टेबल पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बना लूँ, एकदम सिंपल तरीके से आपको कुछ चीज़ें दिखाऊँ किस तरह से भी सिंपल तरीके से भी चीज़ें बनाई जा सकती है। देखिए बस बहुत सिंपल है, कम से कम चीज़ों में और कम से कम क्ले में मैंने इसको डेकोरेट किया है। देखिए इतना सुंदर सौ पीस मैं बनाकर तैयार कर ली हूँ। ये सूख चुका है, अब इस पे मैंने वाइट कलर लगाऊंगी। देखिए अभी बनाइए बिस्लरी बोतल से तो काफ़ी सुंदर सुंदर बास्केट बनते हैं। मैंने पिछले वीडियो में एक बास्केट बनाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल बास्केट है। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए, हर तरह की चीज़ें बन जाती है, बहुत ही ब्यूटीफुल बास्केट बनता है बिस्लरी बोतल से। तो आप भी ट्राई कीजिएगा तो आपसे भी बनेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इस पे वाइट कलर वाइट ही करूँ, जो फाइनल लुक इसका देखूँगी जब ये सूख जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको, पर मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है वाइट कलर। देखिए ये सूखने पे भी कुछ खास नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ और कलर इसको करते हैं। तो देखिए ये पूरा सूख चुका था, तो मैंने रेड कलर इसमें डाल दिया कि चलो रेड करके देखती हूँ कि किस तरह का ये बनकर लगता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लुक लगने लगा इस पर, कि इसे पूरा रेड कलर का लुक दूंगी और गोल्डन कलर से पॉलिश कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने सोच के इसको रेड करना शुरू किया। आपको कैसे लगा, आपको जो भी कलर पसंद हो वो कलर आप डालिए। मुझे ये कलर अच्छा लगा तो मैंने स्पॉन से ये कलर डाल दिया। देखिए और ये बनकर काफ़ी सुंदर तैयार हो चुका है। देखिए इसके पीछे वाले हिस्से पे भी मैं लगा रही हूँ अच्छे से। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर तैयार हो रहा है। देखिए अभी कई
क्राफ्ट कर सकते हैं, बोतल से क्राफ्ट अच्छे अच्छे क्राफ्ट होते हैं, कार्टन से अच्छे अच्छे क्राफ्ट होते हैं। कोई भी चीज़ आर्ट तो हर चीज़ में बनाई जा सकती है, कुछ भी चीज़ उससे सुंदर बनाया जा सकता है हर चीज़। तो इस तरह से मैंने ये पूरा तैयार हो चुका है, सूख भी चुका है रेड कलर। अब मैं इस पर गोल्डन कलर का पॉलिश करूँगी, तब देखूँगी कि कैसा लगेगा, इसका लुक कैसा आएगा। तो जब मैंने इसे करना शुरू किया तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये लगने लगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा पॉलिश सब जगह मार दूँ मैं गोल्डन का। तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आया और मुझे काफ़ी पसंद आया भी कि चलो मेहनत काफ़ी अच्छा हुआ है। देखिए इस तरह से मैंने पूरे पे पेंट मार रही हूँ, देखिए पूरे पे पेंट मार दिया। फिर लास्ट में मैंने वार्निश भी लगाया, इसमें मैंने दिखाया नहीं हूँ, इसमें मैं वार्निश लगाई हूँ। देखिए ये इसका फाइनल लुक है। आपको मैं इसे सेंटर टेबल पे भी लगा कर दिखाऊंगी कि इसका लुक कैसा आ रहा है। तो इसमें मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर डाल के दिखाऊंगी। देखिए ये सूखकर काफ़ी सुंदर बन चुका है, देखिए इसका लुक ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसमें शाइनिंग भी गोल्डन कलर से डालने से शाइनिंग बहुत अच्छा आ गया है, और वार्निश करने से वार्निश जरूर करें। तो इस तरह से इसका ये लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में बताइए, और लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।